आज मैं बना रही हूँ चना चाट, तो उसके लिए मैंने ये 2 कप जो है ये चने लिए थे, इसको मैंने ये बॉईल कर लिए हैं। बॉईल करना तो सबको आते ही हैं। और एक मैंने ये केरी ली है, इसकी मैं हाफ डालूंगी। और ये थोड़ा सा धनिया लिया है, पुदीने के मैंने बस 7 पत्ते लिए हैं, 3 मैंने हरी मिर्च ली है, 3 मैंने ये छोटी छोटी इतनी इतनी प्याज ली है, और 2 मैंने ये आलू लिए हैं, 1 बॉल मैंने दही का लिया है, ये चाट मसाला मैंने 2 चम्मच लिया है, और ये रेड मिर्च मैंने 1 छोटी चम्मच ली है, नमक भी मैंने इसी तरह, लेकिन आप लोगों ने इस पर जायका डालना, ये ब्लैक नमक है, ये व्हाइट नमक है। ये इमली मैंने हाफ काट ली है, बारीक बारीक काट ली है, मैं बॉयल कर ली हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये इसमें सिर्फ 2 चुटकी मैं नमक डाल रही हूँ। ये टमाटर मैं भूल गई थी, ये मैंने 2 टमाटर इसमें डाले हैं, और ये इमली जो थी ये मैंने बॉयल करके रख ली है। ये मिसाले जो हैं ये मैं इसमें डाल रही हूँ, ये इमली की जो चटनी थी ना, ये मिसाले मैंने इसमें डाल दी हैं। ये देखिए, ये मैंने चने ले लिए, इसके ऊपर मैं ये टमाटर, ये प्याज, ये अलग अलग बना के खिलाएंगे तब भी मज़ा आएगा, एकदम बना के रख लेंगे तो पापड़ी नरम हो जाती है, तो ये मैं सारा अलग अलग बना रही हूँ। थोड़ा सा इसको पुदीना भी रख लिया। अब मैं ये वाली चटनी डालूंगी, इसमें मैंने पूरे मसाले वो मिक्स कर दिए थे, मैं तो थोड़ी सी डाल रही हूँ, आपकी अपनी मर्जी, अब जितना डालना चाहते हैं इतनी डालें। अब मैं इस पे ये पापड़ डाल रही हूँ, आपको जितनी पसंद हो आप उतनी डाल सकते हैं। पापड़ी तो खैर सबको ही पसंद होती है, पर मैं थोड़ी सी ये दही डालूंगी। ये चाट मसाला है, ये मैं इसके ऊपर डालूंगी, जितना आपको पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। Yeah.